पिछले सीजन में एक शब्द सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता था और वो शब्द था ग्लूटेन फ्री खाना। एटलीस्ट ओटीटी में तो यही हाल था, लेकिन अब मैं आपको बताने आ गई हूं कि खुद बिग बॉस 15 का हिस्सा रह चुके दो कंटेस्टेंट्स यानी कि प्रतीक और राजीव ने मिलकर बिग बॉस के इस कंटेस्टेंट की खिल्ली उड़ाई है और उसी के साथ साथ काफी कुछ इनडायरेक्टली कह दिया है। चलिए आपको बताते हैं। वेल हेलो गाइज एंड वेलकम टू फीफा फूज, मैं हूं ज्योति नाहक। बिग बॉस में आप जब जाते हैं तो आपको हमेशा घर के अंदर एंट्री लेने से पहले आपके सारे बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो है, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप वो बता कर जाएंगे घर के अंदर, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो जाहिर सी बात है अगर घर में अंडा आ रहा है तो आप तो खाएंगे नहीं क्योंकि आप वेजिटेरियन हैं, तो आप उस हिसाब से अपनी नीड्स वगैरह सब बता कर जाएंगे। अगर आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है तो आप अपने पंप्स वगैरह जो होते हैं मेडिकल पंप्स, अस्थमा के पंप्स आते हैं वो आप बता कर जाएंगे। डायबिटिक है तो इंसुलिन बता कर जाएंगे। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है वो आप बताकर जाइए, लेकिन घर के अंदर जाकर आप उस चीज का फायदा मत उठाइए जैसे शालीन भनोट इस वक्त कर रहे हैं। घर के अंदर चिकन 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 इतना हो गया है कि ये बहुत अनोइंग हो गया है, मतलब इस बारे में बात करना भी अनोइंग हो गया है। ये अभी जो मैंने चिकन चिकन वाला गाना गाया, कुछ इसी तरह के रिएक्शंस सोशल मीडिया पर आ रहे हैं। फैंस मजाक उड़ा रहे हैं शालीन भनोट का, मजाक बन गया है उनका कंप्लीटली फॉर दिस चिकन थिंग। बिग बॉस भी देखो अपनी तरफ से कर रहे हैं यार, मतलब इतना 150 ग्राम चिकन दिन का उन्हें है या फिर हर मील में है, जो भी है उनका इशू वो बिग बॉस अपनी तरफ से भिजवा रहे हैं, लेकिन बार बार बिग बॉस को ये याद दिलाना कि बिग बॉस मुझे चिकन भेज देना, आपको याद है ना मेरा चिकन, बिग बॉस मुझे चिकन भेज देना, ये थोड़ा सा वियर्ड लगता है, ये थोड़ा सा आउट ऑफ द हैंड जा रहा है। और अब तो चिकन ना हो गया बिल्कुल ही बड़ा मुद्दा बन गया। इस चीज पर राजीव बताते हैं ना, इस वक्त ये तस्वीर पोस्ट की है छुप कर डर कर, वो सोफे के नीचे है और ये बिग बॉस के घर की तस्वीर है जब वो सुन रहे थे सारी प्लानिंग अंदर है ना जो हो रही थी कैप्टन्स उसमें वीआईपी लाउंज में। राजीव इसको पोस्ट करते हुए लिखते हैं, ब्रेकिंग न्यूज, आई हैव हर्ड देर आर चिकन्स रनिंग अराउंड ऑन द बिग बॉस सेट। हा हा हा, ओ भाई कलर्स टीवी, आपने तो हद ही कर दी, लाफ चिकन्स, हा हा हा। जी हाँ, और इस पोस्ट को लाइक करने वाले सबसे पहले कौन से शख्स हैं सोचिए? जी हाँ, प्रतीक सैजपाल। प्रतीक का भी सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा कमाल का है, मुझे हमेशा से प्रतीक का सेंस ऑफ ह्यूमर काफी इंटरेस्टिंग लगा है बिग बॉस के घर में। ऐसे में मैं आपको बता दूं कि राजीव वदातिया ने ये पहली बार नहीं बल्कि राजीव कई बार सामने आए हैं और उन्होंने, मैं आपको एक और चीज बता दूं कि राजीव ने सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कई बार ये बात कही है क्लियरली, जितना इस वक्त मैं देख पा रही हूं कि घर के अंदर जो कुछ भी हो रहा है ये चिकन वाला जो पूरा मुद्दा है बिग बॉस को इसको बड़े कंट्रोल में लाना चाहिए बिकॉज ये आउट ऑफ हैंड जा रहा है। राजीव दातिया ने ये तक कह दिया कि शालीन भनोट और टीना का जो लव एंगल है वो पूरी तरह से फेक है। शालीन टीना ना सिर्फ फेक लव एंगल कर रहे हैं, उनसे ज्यादा जेन्युइन तो मुझे सौंदर्य और गौतम लगते हैं, ऐसा राजीव का कहना है। और जब जब राजीव ने ऐसा कहा है प्रतीक ने उनके हर पोस्ट को लाइक किया है, तो कहने का मतलब ये है कि वो डेफिनेटली दिखा रहे हैं कि वो राजीव की बात से सहमत हैं। एक और पोस्ट राजीव ने शेयर किया वो भी आपको दिखाते हैं। ये जो एक्सप्रेशन आप राजीव का देख रहे हैं, मैंने 3 बार करके दिखाया आपको, लेकिन ये जो ये वाला एक्सप्रेशन है कि व्हाट इज हैपनिंग, ये एक्सप्रेशन उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा है, माय रिएक्शन व्हेन आई सी शालीन एंड टीनाज लव एंगल, यानी कि इस तरह का उनका रिएक्शन होता है क्योंकि वो भी इरिटेट हो जाते हैं। सो आई टोटली अग्री, आपको क्या है कहना बताइएगा।